हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हम बनाने जा रहे हैं कुरमुरा का लड्डू। तो चलिए हम आपको बताते हैं कुरमुरा का लड्डू कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, हमने ये अदरक कद्दूकस कर लिया है आधा इंच का टुकड़ा, और ये देखिए कुरमुरा का पैकेट लिए हैं हम, और ये गुड़ को छोटा छोटा कट कर लिए हैं और कढ़ाई गरम होने दिए हैं। और इसमें हम पहले चिक्की बनाए थे तो वही है, तो उसी में हम गुड़ को डाल देते हैं। कढ़ाई गरम हो चुका है तो ये देखिए इसी में हम गुड़ को डाल देते हैं। ये 200 ग्राम गुड़ डाले हैं और इसको हम मेल्ट होने देते हैं। और इसमें हम आधा चम्मच पानी डालेंगे ताकि ये गुड़ के साथ जल जाए। अगर सिर्फ पानी को जलाना है, क्योंकि गुड़ जल जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसके लिए हम 2 चम्मच पानी डाले हैं इसमें। और ये देखिए मेल्ट होने लगा फटाफट गुड़ हमारा। जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो जाए तब तक हम इधर लेते हैं इसके पैकेट को। तो 200 ग्राम हम गुड़ डाले हैं, तो 200 से 250 ग्राम हम कुरमुरा डालेंगे। इसमें 500 ग्राम है, हम 250 ग्राम डालेंगे कुरमुरा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए हमारा फट चुका है और ये अच्छा वाला क्वालिटी का कुरमुरा है देखिए। और इधर देखिए हमारा ये मेल्ट हो चुका है, एक दो बाकी है। और इसी टाइम पे अब देखिए मेल्ट हो गया, इसमें हम अब अदरक को डाल देंगे, ये जो हम कद्दूकस करके रखे हैं, ताकि ये कुरमुरे का जो लड्डू बना रहे उसमें टेस्ट आ जाए। ये अच्छा टेस्ट आता है इसमें, हम चिक्की में नहीं डालते हैं क्योंकि चिक्की में मुझे टेस्ट ख़राब लगने लगता है। बहुत लोग डालते हैं, अपना मर्जी, आपको अगर मन हो तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें डालते हैं। ये जो कुरमुरे का है ना लड्डू, ये बहुत पसंद, अदरक को डाल दिए हैं और ये मिक्स हो गया है। लेकिन ये अभी हमारा तैयार नहीं हुआ है क्योंकि हम जो पानी डाले हैं वो इसमें से जला नहीं है और तार नहीं छोड़ रहा है, एक ऐसा लाइन छोड़ना चाहिए इसमें, तो ये पानी जैसा गिर रहा है अभी तक। तो इसको हम और पकाएंगे, थोड़ा मिलाते रहेंगे धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है, ये देखिए तार के जैसा गिर रहा है। अब हम गैस को पहले बंद कर देंगे क्योंकि अगर चालू रहेगा तो जल जाएगा हमारा कुरमुरा। और इसको हम नीचे उतार लेते हैं आराम से, ये देखिए। और अब हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए हम ऐसे डाल डाल के मिलाते जाएंगे इस तरह से, हम मिक्स कर लेते हैं फटाफट को सबको, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी अच्छा है, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा, फिर नहीं होगा मिक्स। ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा मिल चुका है, और अब हम हाथ से इसको हल्का हाथ से लड्डू बनाएंगे। तो ये देखिए छोटा छोटा लड्डू कैसे बना रहे हैं, इस तरह से बना बना के रखेंगे गोल गोल। गांव में तो बड़ा बड़ा बनाते हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा छोटा बनाते हैं, क्योंकि बड़ा फिर तोड़ने में ना थोड़ा अजीब लगता है, वो कड़क हो जाता है ना बाद में। तो इसके लिए ये देखिए आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी लेके बनाइए, क्योंकि कड़क हो जाएगा तो फिर वो निकलेगा नहीं। और थोड़ा अगर कड़क हो जाए तो आप गरम कर सकते हैं कढ़ाई को, तो वो फिर से अलग अलग हो जाएगा।
फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए तो इस तरह से आप भी बनाइए और बना के हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा लड्डू बना है। एक्चुअली इसको हम गांव में लड़ुआ बोलते हैं, मुड़ी का लड़ुआ, लेकिन यहाँ पे लड्डू बोलते हैं, इसके लिए हम आपको लड्डू बता रहे हैं, पर ये इसका नाम लड़ुआ है। तो आप भी बना के खाइए और इंजॉय कीजिए।